सिद्धार्थ उससे बड़ा ब्रांड, मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ, सिद्धार्थ शुक्ला से बड़ा ब्रांड रियलिटी टीवी में नहीं बना। मेरा दोस्त था, आई एम वेरी अनहैप्पी दैट ही इज नो लॉन्गर देयर। कैसा लग रहा है आज? तो पहले तो मैं गीतिका को थैंक यू कहना चाहता हूँ। गीतिका ने पहली बार ऑर्गेनाइज किया है और मुझे लगता है कि दिल्ली में और इंडिया में ब्रांड अवार्ड्स की ज़रूरत है। जिस अवार्ड को, जिस कैटेगरी को ये फुलफिल कर रही है, तो इनको बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारी बधाई देना चाहता हूँ। और इनसे पूछे कि इनको कैसा लग रहा है ये अवार्ड ऑर्गेनाइज। मुझे तो लग रहा है जैसे मैं ही स्टेज पे खड़ी हूँ, राइट? नहीं, एक्चुअली आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट देयर आर लॉट ऑफ अवार्ड्स जो कि कंपनीज के लिए बने हुए हैं, कंपनी ब्रांड्स के लिए बने हुए हैं, लेकिन ऐसा कोई अवार्ड नहीं है जो इंडिविजुअल्स को उनकी पर्सनल स्टोरीज के लिए यू नो रिकग्नाइज करता है और रिवॉर्ड करता है। इसीलिए हमने लॉन्च करा है पैड मी ब्रांड एक्सेलरेटर अवार्ड्स, जिसमें उन लोगों को रिकग्नाइज और रिवॉर्ड करा जाता है जो अपनी काबिलियत, अपने पैशन और अपनी कैपेबिलिटी की वजह से एक ब्यूटीफुल लाइफ स्टोरी बना रहे हैं, जिससे उनका काम भी शोकेस होता है दुनिया के लिए, एंड एट द सेम टाइम वो और लोगों को भी इंस्पायर कर पाते हैं अपने वर्क और अपने पर्सनल ब्रांड के थ्रू। सो दैट इज द स्टोरी बिहाइंड मी ब्रांड एक्सेलरेटर अवार्ड्स, एक ऐसा पर्सनल ब्रांड प्लेटफॉर्म जो खुद भी अवार्डीज की स्टोरीज को एक्सेलरेट करता है और आम आदमी को भी इंस्पायर करता है उनके फुटस्टेप्स फॉलो करने के। क्राइटेरिया क्या होता है इन अवार्ड्स को सिलेक्ट करने का और कितने पैनल ऑफ डिस्कशन बैठती है इस अवार्ड्स के लिए? सो ऐसे अवार्ड्स हम लोग क्या करते हैं कि पहले तो हम नॉमिनेशंस लेते हैं और ये डिफरेंट कैटेगरीज से होती हैं। एक कैटेगरी होती है क्रिएटिव कैटेगरीज, जिसमें आते हैं आपके आर्टिस्ट, चाहे वो टेलीविजन के हों, चाहे वो मूवीज के हों, चाहे वो गायक हों या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हों, तो एक क्रिएटिव वाली कैटेगरी आती है। दूसरी कैटेगरी होती है एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेस लीडर्स, जो अपनी प्रोफेशन मतलब कॉर्पोरेट लाइफ या एंटरप्रेन्योरियल बिजनेस लाइफ के थ्रू कुछ उम्दा काम कर रहे हैं। और तीसरी कैटेगरीज होती है लीडर्स, लीडर्स जो कि लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं अपने काम के थ्रू, एक मिशन पे है और यू नो ब्यूटीफुल स्टोरीज क्रिएट कर रहे हैं अपने काम के थ्रू। तो ये तीन कैटेगरीज होती हैं जिन पे लोग नॉमिनेट होते हैं और फिर हमारा बैक एंड पैनल उनको इवेल्युएट करता है और बेस्ट वालों को शोकेस करता है। मी ब्रांड अवार्ड्स, मी एम फॉर मी, यस एब्सोल्युटली, जैसे तहसीन ने बिल्कुल कहा मी, राइट? सो जैसे मैंने कहा ब्रांड्स अवार्ड्स तो बहुत होते हैं, लेकिन इंडिविजुअल्स के लिए, पर्सनल अचीवमेंट के लिए हमने ये प्लेटफॉर्म क्रिएट करा है, इसलिए मी ब्रांड एक्सेलरेटर अवार्ड्स, मतलब कि आपकी स्टोरी, आपके काम, आपके करियर, आपकी सोच को एक्सेलरेट करने के लिए। तो अगर आपने MBA नहीं किया है लेकिन आपको MBA का अवार्ड मिला है तो आप जिंदगी में सफल हो गए। MBA से ज्यादा ये बेटर, एब्सोल्युटली मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल सही। और एक्चुअली जब गीतिका ने मुझे इसके बारे में दिसंबर में बताया कि ये प्लान कर रही है, तो मैं बहुत ही एक्साइटेड था, क्योंकि वाकई हमारे वहाँ बहुत सारे अवार्ड्स हैं, फिल्म के अवार्ड्स हैं, मीडिया के अवार्ड्स हैं, लेकिन इंडिविजुअल ब्रांड को रिकग्नाइज करने वाले अवार्ड नहीं है। तो इंडिविजुअल ब्रांड्स को रिकग्नाइज करने वाले पहला अवार्ड शायद इस देश का है, इसलिए गीतिका मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं इसका पार्ट बन सका, इसका हिस्सा बन सका, तो मेनी कांग्रेचुलेशंस। और आप लोगों को जानना चाहिए कि गीतिका इज ऑल्सो फैबुलस ऑथर, इनकी काफ़ी किताबें भी आई है, और आज उन्होंने कितने ऑथर्स को अपने 12 ऑथर्स की किताबें, अभी हम स्टेज पर भी जाएंगे और उनकी किताबों को हम लॉन्च करेंगे, उसमें से कुछ ऑथर्स ने मुझे किताबें भी दी, सो वेरी गुड जॉब। And on my I saw a flag here, so I got recalled you. So what was the thought of getting it ink on your वो आजकल क्या होता है कि nationalism के बारे में जो मेरे पॉलिटिकल राइवल्स जो पूछते कि आप देशभक्त हो कि नहीं, तो जब भी पूछते मैं कहता टॉक टू द हैंड, बट जोक्स अपार्ट, नहीं, आई वांटेड अ टैटू, ऑलवेज वांटेड अ टैटू, एंड माय फर्स्ट टैटू शुड हैव बीन समथिंग दैट लास्ट फॉर एवर एंड विल नेवर रिग्रेट इट, तो तिरंगा और जय हिंद जय भारत से क्या बेटर है, सो दैट्स व्हाई एंड आई ऑलवेज हैव दिस। ऐसे अवार्ड जो नए लोगों को दिए जाते हैं, और क्योंकि क्या सोच होती है आपकी, कितने मानसिकता के हिसाब से होना चाहिए कि हाँ मैं लोगों को
भाई आदमी कितना भी बड़ा हो जाए अवार्ड लेना उसको सबसे ज्यादा पसंद है। कोई भी आपको कह देना कि मुझे अवार्ड लेना पसंद नहीं, वो गलत कह रहा है। अवार्ड लेना सबको पसंद होता है, और अगर अवार्ड मिल रहा है, खास करके इंडिविजुअल्स को अगर अवार्ड मिल रहा है, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। बिकॉज जेन्युइनली अगर आप देखें तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के लिए नहीं मिलता है अवार्ड, आपको किसी फिल्म के लिए मिलता है, आपके बिजनेस के लिए मिलता है, उन चीजों के लिए मिलता है, बट फॉर एन इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन। और इससे क्या होता है कि जैसे गीतिका ने बिल्कुल सही कहा कि जो आपकी कहानी है उससे आप बहुत लोगों को इंस्पायर कर सकते हो, खास करते वो लोग जो सपना देखते हैं कि वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। तो आई थिंक दिस इज अ ग्रेट आइडिया कि एक ऐसा अवार्ड हो, और ये पहला अवार्ड है, और मैं जानता हूँ कि और भी अवार्ड्स होंगे, और अवार्ड्स ये अब दिल्ली में, मुंबई में होंगे, और जगहों पर होंगे, और भी बड़े अवार्ड्स होंगे। सर एक सवाल, क्योंकि बिग बॉस तेरा का हिस्सा रहे, एमबीए अवार्ड्स बिग बॉस में किसे देना चाहेंगे अगर अभी आप फॉलो कर रहे हो? जो नहीं है सिद्धार्थ, उससे बड़ा ब्रांड, मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ, सिद्धार्थ शुक्ला से बड़ा ब्रांड रियलिटी टीवी में नहीं बना। मेरा दोस्त था, आई एम वेरी अनहैप्पी दैट ही इज नो लॉन्गर देयर, बट मैंने जब मैं बिग बॉस में पहले दिन एंटर किया, पहला सेकंड व्यक्ति जो मुझे मिला सिद्धार्थ, और उसने कहा कि मैं आपको न्यूज चैनल्स पे देखता हूँ, और मैंने उसे पहली चीज जो कही वो थी कि यू डोंट नो हाउ बिग अ स्टार यू आर। मैं जेन्युइनली मानता हूँ टेलीविजन की दुनिया में सिद्धार्थ शुक्ला से बड़ा स्टार ना पैदा हुआ है, और बहुत मुश्किलें पैदा होगा, हजार लोग आएंगे उसको कॉपी करने की कोशिश करेंगे, बट सिद्धार्थ वॉज अ डिफरेंट लेवल, आई मिस हिम एवरी डे, और मुझे लगता है अगर वो आज होता तो लाइफ टाइम अचीवमेंट उसे मिल जाता फर्स्ट अवार्ड के अंदर। तो इस बार आप सीजन देख, बिग बॉस का सीजन देख रहे हैं या नहीं? नहीं, मैं इस बार फॉलो नहीं कर रहा हूँ, बट मैं लॉकअप जरूर देखूं। सर सेम क्वेश्चन है, हम पॉलिटिकल टर्न कर रहे हैं, तो पॉलिटिशियंस का ये अवार्ड किसे मिल सकता है? लाइफ टाइम तो मोदी जी को मिलेगा। नहीं, मैं अच्छी रीत से कह रहा हूँ, मोदी जी को लाइफ टाइम मिलेगा, बट ब्रांड के हिसाब से आई थिंक मोदी जी और राहुल जी, क्योंकि दोनों ने जिस हिसाब से अपना ब्रांड बनाया, खास करके राहुल जी ने जो भारत जोड़ो से 3000 किलोमीटर चले, और मोदी जी ऑफकोर्स क्योंकि जो उन्होंने काम किया है, और मैं कोई पोलिटिकल नहीं कर रहा हूँ, तो दोनों को लाइफ टाइम, मोदी जी को इस साल का, राहुल जी को, इससे पोलिटिकली दोनों पक्ष खुश होते हैं। बीजेपी यही है, नहीं है। थैंक यू।